बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चा ये चैप्टर बेसिकली 12.1 जो है वो आपको बेसिक कंसेप्ट पे क्लियर करवाना है कि कैसे हम किसको सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस के बाद एरिया किसको बोलेंगे। अभी ये तो आप बोलोगे सर हमें आता है, लेकिन बच्चा अभी हमें यहाँ फोकस करना है वो सेमी सर्कल पे, क्वाड्रेंट पे और रिंग पे। तो एक एक पॉइंट बहुत शांति से जाएंगे, प्रॉपर तरीके से जाएंगे। आपको मैं क्या बोलूंगा कि प्रॉपर पहले एक बार क्लियर कर लो। तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे कि यहां से शुरू करते एक एक पॉइंट, कॉर्ड किसको बोलेंगे। तो बच्चा आप बोलोगे कॉर्ड हमें पता होता है कि सर जो सबसे पहले आपको क्लियर करना है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कि जो बोला जाएगा कि सर कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के दो पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये कोई भी जगह पे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है। सर्कल पे दो पॉइंट को कनेक्ट करेगी उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। बच्चा जो भी करवा रहा हूं नोटबुक में प्रॉपर लिखोगे पूरा समझ में आ जाएगा। आगे चलते बच्चा, इसके बाद है डायमीटर। वो आप बोला जाएगा कि सर डायमीटर क्या होता है, कि जो है वो सेंटर से पास होती है, कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से पास होती है और दो पॉइंट के सर्कल के दो पॉइंट पे कनेक्ट करती है। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल वे में इसकी फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे टू इंटू रेडियस। बच्चा क्लियर है ये तक। आगे चलते हैं बच्चा, एक एक पॉइंट छोटा से छोटा होगा, मैं वीडियो में रुक नहीं सकता, इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि एक एक पॉइंट समझो लिखो, समझो लिखो। ये लेक्चर बनेगा 10 से 12 मिनट का सपोज, तो आपको लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ऐसे एट अ स्ट्रेच देखोगे तो कंफ्यूजन आएगा, याद नहीं रख पाओगे कि सर ने क्या बोला, उसका मीनिंग क्या है। वो आप प्रॉपर लिखते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चा इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर मतलब आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस, आप बोलोगे द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सर्कल के पूरी बाउंड्री पे एक सर्कल पे हम राउंड लगा दे, ट्रेवल कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे पेरीमीटर। दूसरी लाइन में बोलना है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये बाउंड्री जो सर्कल की होगी बच्चा ये समझ लो, यहां प्रॉपर करते हैं जगह भी है, तो ये सर्कल है, तो ये बाउंड्री को हम पूरा घूम ले, ट्रेवल कर ले, तो उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे या पेरीमीटर। लेकिन बच्चा समझ लो पेरीमीटर अब भी समझने के लिए बोल रहा हूं, आपको सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस वर्ड ही यूज करना है यहां समझने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 12.2 जो है वो आसानी से क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रॉपर तरीके से 12.1 जो है उसके सारे जो पॉइंट है वो क्लियर करना। पहला बच्चा आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस क्लियर है सर, जिसमें आपने बोला कि सर ये जो पूरी बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री के रिलेटेड होता है उसका कितना लेंथ है वो ढूंढने के लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं। आप बोलोगे सर हमने छोटे क्लास में ये किया हुआ है, लेकिन ये बच्चा क्या है फंडामेंटल, जितना बेसिक से करोगे तो एडवांस लेवल का भी आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, सेक्टर है, आर्क है, वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। इसके बाद बच्चा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, तो आपको लिखा जाएगा सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। इसके बाद बच्चा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जब आपको डायमीटर दिया हो, यहां पे आपको लिखना है व्हेन रेडियस इज गिवन, व्हेन रेडियस इज गिवन देन वी हैव टू कंसीडर 2πr एंड व्हेन डायमीटर इज गिवन तो πd, क्या होगा बच्चा πd। अभी इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अभी कंसेप्ट आएगा एरिया वाला। एरिया वाला मतलब ये जो फिगर है ये सर्कल है, एरिया क्या होगा पहले वो क्लियर कर दो। जो क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर मतलब ये क्लोज फिगर है, इसके अंदर का कितना एरिया कवर कर रहा है ये फिगर, वो ढूंढने के लिए उसको हम ढूंढने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे सर्कल के लिए। सेम वे सर्कल की बात करें थोड़ा प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर बोलूं, एरिया मीन्स जो फिगर है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। समझ लो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितने एरिया में है वो ढूंढने के लिए हमें यूज किया जाता है एरिया का फॉर्मूला। तो सर्कल हमें वो ढूंढना है कि इनर ये सर्कल है उसके अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²
हमने दो पॉइंट पे अभी तक सर्कमफ्रेंस की बात की और दूसरा आप बोलोगे सर आपने एरिया की बात की। सर्कमफ्रेंस की बच्चा बहुत सिंपल बात है कि पाई डी होगा जिसमें और रेडियस की बात हुई, जब रेडियस दिया होगा तो सर्कमफ्रेंस होगा पाई टू पाई आर। दूसरा हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अभी बच्चा यहां तक का सफर तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी अब धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो आगे जाके भी यही पॉइंट को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप देखोगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसको बोलेंगे, जो आप बोलोगे सर यहाँ पे एकदम वर्ड प्रॉपर पड़ता है, डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल एरिया, द सेंटर एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180। समझ लो जो डायमीटर से डिवाइड होता हो, जैसे आप एक ये डिवाइड हुआ है, एक ये डिवाइड हुआ है, आप बोलोगे सर ये क्रॉस में भी हो सकता है, कुछ भी तरह से हो सकता है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पॉइंट और दूसरा। जो आप बोलोगे सर यहां जो एंगल बनेगा ना 180 बनेगा, क्योंकि आपको वो भी पता है 360 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 180 हो जाएगा, 180 दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चा ऐसे वीडियो देखते मत जाओ, पॉज करो और यहां तक का प्रॉपर ये पॉइंट लिख लो। इसके बाद अभी हम चालू कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं आपने लिख लिया है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मतलब बदला बच्चा आप क्या बोलोगे कि एक सिंपल वे में सर जो सर्कल का 1/4 पोर्शन होता है, सर्कल का 1/4 पोर्शन। तो ये देखो ये जो ड्रॉ किया गया है ये सर्कल का ऐसे चार हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 1 2 3 4। बच्चा ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, आप बोलोगे एक हिस्सा बड़ा है छोटा है, लेकिन आपको समझने के लिए बोल रहा हूं कि सर्कल को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो आप बोलोगे इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। बच्चा ये क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो होता है सर्कल का टोटल 360 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 90। तो ऑलवेज क्वाड्रेंट की बात हो बच्चा, तो याद में रखना है कि आपको क्वाड्रेंट का एंगल 90 ही होता है, सेमी सर्कल बोले तो 180 ही होता है। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर इसको एक एंगल में कई जगह ऐसे भी दिखाया जाता है, ये पिज्जा जैसा लगेगा आपको, और ये जो एंगल होगा वो 90 होगा। ऐसे पूरे सर्कल में करो तो ये पूरा सर्कल में 1/4 पोर्शन बोलोगे, और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चा? तो यहां आगे चलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अभी इसके बाद बच्चा क्या आएगा, यहां पे आपको लिखा जाएगा ए ओ बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। यहां पे जो ए ओ बी है वो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 90। तो बच्चा वो तो आप बोलोगे सर समझ में आ गया, लेकिन ये लिखना है बच्चा, इससे क्या होगा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी कि सेमी सर्कल सर ने किसको बोला, उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा आप बोलोगे सर क्वाड्रेंट का मीनिंग आपने क्लियर करवाया। इसके बाद बच्चा अभी इसकी एरिया की बात करनी पड़ेगी और आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस की बात करनी पड़ेगी। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। ये बच्चा याद ही रखनी है, इससे आपको इजीली एक बार फॉर्मूला एग्जाम के वक्त, एक भी ऐसा नहीं हो कि आप डिराइव करने बैसो, क्योंकि एग्जाम के वक्त तो आपको पूरा परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। चलो उसके बाद आप बोलोगे सर सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसमें लिखोगे क्योंकि ये जो है उसका हाफ, क्योंकि समझ लो ये जो है वो हाफ है उसका भी हाफ, तो पाई आर जो होगा, तो यहां पे आप बोलोगे सर ये पाई आर हो जाएगा, पाई आर डिवाइड बाय 2, और यहां पे हो जाएगा आर। ये ध्यान रखना है बच्चा, सही है बच्चा, परफेक्ट क्लियर। इसके बाद बच्चा अभी आएगा एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान में रखना 2 है, सही है। इसके बाद बच्चा ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हो जाए इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तीन चीज सीखी अभी तक, सर्कल का, क्वाड्रेंट का एंड सेमी सर्कल का। तो एरिया जो होगा रियल फॉर्मूला ये है, इसके डिवाइड बाय 2 कर देते हो बच्चा, तो ये इसका हाफ कर देते हो, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, और उसका आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? देखो बच्चा यहां पे 2 ज्यादा लिख दिया था, मैं सोचू एक जगह पे मेरी गलती हुई थी, लेकिन कहां हुई थी वो, तो पाई आर स्क्वायर इसका हाफ कर दोगे तो सेमी सर्कल आ जाएगा, इसका 1/4 कर दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। आपको जो फॉर्मूला इसमें अभी तक याद रखनी है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, ये तीन फॉर्मूला आपको क्लियर करनी है। और एरिया बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का होगा, क्वाड्रेंट का होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर,
एंड सेमी सर्कल हाफ होगा, इसलिए बच्चा बोलोगे ये 1/2। इसका क्वाड्रेंट का क्यों 1/4 लिया, क्योंकि वो 1/4 पोर्शन ऑफ टोटल सर्कल होता है, तो टोटल सर्कल का एरिया 1/4 कर लोगे तो क्वाड्रेंट का मिल जाएगा। आगे बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिंग वर्ड यूज करते हैं, समझना इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। रिंग मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पे समझ लो कि एक सर्कल है और यही सेम सर्कल का दूसरा एक सर्कल है, यहां रेडियस है और उसका एक आगे चलते है तो उसकी दूसरी रेडियस है। मतलब आप बोलोगे सर एक ही सर्कल है, इसका सेंटर सेम है, क्या है बच्चा सेंटर, दो ही सर्कल के सेंटर सेम है और आपको वो ढूंढना है ये बीच वाला पोर्शन जिसको हम रिंग वर्ड यूज करते हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे ढूंढा जाएगा, तो हम क्या करेंगे पहले, सबसे पहले बड़े वाला सर्कल का हम क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर बड़े वाले सर्कल का कैलकुलेशन करेंगे और ये आ जाएगा, पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसमें से हम छोटे सर्कल का माइनस कर देंगे, छोटे सर्कल का माइनस कर देंगे तो हमें वो पोर्शन मिल जाएगा जो एरिया ऑफ रिंग के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सबसे पहले हम बड़े सर्कल की रेडियस लेके उसका सर्कल का क्या करेंगे एरिया ढूंढेंगे, बाद में छोटा जो सर्कल है रेडियस लेके उसका एरिया ढूंढेंगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का रेडियस हम माइनस करेंगे तो जो मिल जाएगा वो एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। तो बच्चा ये क्लियर हुआ, अपने वर्ड्स में थोड़ा लिखना जिससे फिर से रिवाइज करो तो आपको इजी रहे। दूसरा बच्चा फॉर्मूला ये कुछ इस तरह है, पाई आर स्क्वायर माइनस, मतलब आप बोलोगे सर आर स्क्वायर माइनस आर, और उसको बोल सकते हैं कि ए माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के तौर पे भी आप ये कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है बच्चा, खाली बस वो ध्यान में रखना है कि थोड़ा प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला क्लियर करनी है। इतनी फॉर्मूला आप क्लियर करते हो तो आपका एक बार कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा ये प्रॉपर लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे 12.1 के सम कैलकुलेशन करना। तो बच्चा शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।